हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन को डिटेल में समझेंगे साथ ही साथ ही ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं सो so, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेवन ट्वेल्थ एंड बी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सो so, स्टार्ट करते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है जब पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड कम्प्लीटली इफ ऑल The four quantum numbers are known, and the scientist, Blue Pauli, in 1925, put forward a principle which controls the assignment of values of four quantum numbers. It is known as Pauli exclusion principle, and is state as no two electron in an in an atom can have all the four identical quantum numbers. Okay. so. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है इसको समझने से पहले क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सो so, पिछले वीडियो में मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इस यूनिट से रिलेटेड सो so, आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में प्ले का लिंक मिलेगा वहां से आप देख सकते हैं सो so, हमने पूरे uh, जितने भी थ्योरी पढ़े uh, क्वांटम नंबर पढ़ा उसमें एक पॉइंट यह जाना कि कोई भी एटम होता है उसके बीच में जो है एक न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के चारों ओर जो है सेल्स होते हैं इस सेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं और एक पर्टिकुलर एटम का एक पर्टिकुलर एटम का जो एक इंडिविजुअल अगर इलेक्ट्रॉन हम लेंगे इस इलेक्ट्रॉन के जो है चार क्वांटम नंबर होते हैं और इन चार क्वांटम नंबर की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का उसका पोजिशन ठीक है न्यूक्लियस से उसमें की दूरी उसका जो है एनर्जी ठीक है ये सब कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं किसकी सहायता से क्वांटम नंबर की सहायता से ठीक है चार क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन के ये चार कौन कौन से होते हैं आपके होंगे आ, आ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ठीक है एजीमुटल्टर एल क्वांटम नंबर की सहायता से किसी ठीक है, को, को है, है, है? यहां पे वही पॉइंट बताया है पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड कंप्लीटली इफ ऑल फोर क्वांटम नंबर आर नो ठीक है अगर हमको चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का पता है तो हम ये जो है उसके पोजिशन एनर्जी लेवल ये सबको डिफाइन कर सकते हैं ने अपना प्रिंसिपल दिया 1925 में, और उन्होंने बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ऑल द फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पूरे प्रिंसिपल का पॉली ने बोला कि अगर कोई एटम ठीक है पॉली ने बोला कि अगर किसी एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं ठीक है सेम आ, आ, सेम एटम में जो है दो इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है

ठीक है एनएलएम मान लो ये चारों जो है आ, सेम हो सकता है जैसे कोई आ, कोई किसी में किसी आ, एटम में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका जो है एनएलएम सेम हो सकता है लेकिन एस तो डिफरेंट होगा ही होगा क्योंकि एज मतलब देखिए दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है मतलब ये ऐसा हो गया तो एक के लिए प्लस वन बाई टू एक के लिए माइनस वन बाय टू होगा मतलब चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं ये मेन जो है कॉन्सेप्ट पहला प्रिंसिपल बताया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एंड इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रिंसिपल के ठीक है ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया इसके अलावा यहां से एक और पॉइंट भी हम यहां पे समझ सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से उन्होंने मेनली दो कॉन्सेप्ट बताया था एक तो वही कि चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते और एक ये बताया था कि कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ठीक है किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं जैसे एस के लिए हमको पता है इसमें इस प्रकार से आता है ठीक है एस ऑर्बिटल के लिए दो इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में जो है ये इस प्रकार के तीन में बांटा जाता है तो हर एक ऑर्बिटल में जो है इस प्रकार के दो दो इलेक्ट्रॉन ही आते हैं तो वही एक और ये भी बताया कि हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो तो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं ये बताया था उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस ये है मेन इंपॉर्टेंट ये है कि वन ऑफ़ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इट इज़ हेल्पफुल टू डिटरमिनेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ मेन एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट ठीक है सो बेसिकली एक एनर्जी लेवल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये जो है हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की सहायता से पता कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये पॉली एक्सक्लूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या कहता है आई होप आपका समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या है वही है ना बेसिक पॉइंट क्या है एग्जाम्पल वी कैन टेक अ न्यूट्रल एटम एज अ कॉमन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द एटम हैज टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे द देर मोस्ट सेल विद अपोजिट स्पिन वी विल फाइंड दैट द टू इलेक्ट्रॉन आर इन दन एस सबसेवल टू वन एल बराबर जीरो एम बराबर जीरो एंड देयर स्पिन मूवमेंट विल ऑल्सो बी डिफरेंट वन विल बी एम like लाइक माइनस वन बाय टू एंड वन इज प्लस वन बाय टू सिंपल सा है जैसे मान लो यहाँ पे हीलियम का हमने एग्जाम्पल लिया ठीक है हीलियम जो है दो uh, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस प्रकार से एक सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वन एस में मान लो ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें जो एन है हमारा ये क्या है एक है ठीक है एन जो है मुख्य क्वांटम नंबर एक है एल क्या है एन माइनस वन होता है तो एल जो है जीरो हो जाएगा हमारा एल जो है जीरो है एस के लिए जीरो ही होता है एल ठीक है और एम जीरो हो जाएगा ठीक है एम भी जीरो होगा

क्वांटम नंबर समान नहीं होते हैं तीन अगर समान है तो भी चौथा डिफरेंट होगा ही होगा ठीक है उसी प्रकार अगर अलग अलग सेल्स में भी प्रेजेंट है अलग अलग ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है तो भी सेम होगा इन दोनों का अगर हम बात करें ठीक है आउटर मोस्ट का इसका और इसकी बात करें तो देखिए इसका n जो है डिफरेंट है ठीक है n n n इसका एक होगा इसका दो होगा ठीक है एल इसका डिफरेंट होगा एम ठीक है लेकिन ये स्पिन भी ये नीचे साइड साइड है ये है ऊपर तो डिफरेंट होगा तो इस प्रकार से मतलब मेन कॉन्सेप्ट कि दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते हैं ये ध्यान रखना आपको इस प्रकार से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है एग्जाम्पल आप समझा सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हम यूज किस प्रकार करते हैं सो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेल्प्स टू एक्सप्लेन द वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल फिनोमिना ओके okay, सो so, uh, इसके द्वारा हम को, किसी भी uh, एटम का फिजिकल फिनोमेना को uh, जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड है? किस प्रकार से बनाते हैं इसके अलावा द पीरियोडिक टेबल कैन ऑल्सो भी डिफाइन हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल की सहायता से पीरियोडिक टेबल में अरेन्ज uh, किया गया है एलिमेंट्स को ठीक है उसको डिफाइन किया जा सकता है एंड ऑल्सो यूज इन ऑस्ट्रोफिजिक्स जो है इसका यूज किया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कभी कभी पूछ लिया कभी-कभी पूछ लिया जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन डिस्कस कीजिए तो ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं एंड ये एग्जाम्पल्स में आप ये समझा सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एग्जाम्पल में एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल सा है ये पूरा तो थ्योरी बेसिकली थ्योरी एग्जाम्स में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है तो ये थ्योरी आपको लिखना है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने से भी लिख सकते हैं मेन आपको ये ध्यान रखना है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कैन हैव ऑल द फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर बाकी पूरा आप अपने से लिख सकते हैं मेन ये डेफिनेशन एग्जैक्टली exactly ये आप याद रखिए कि दो भी आ, किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं ठीक तो है तो यह है पोलियो आई होप uh, आपको समझ में आ गया होगा एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक uh, मिल जाएगा पीडीएफ uh, स्टोर का जहां से आप बी एस सी एन एम एस सी लेवल के सारे हैंड रिटर्न नोट यूनिज ले सकते हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपेरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग